ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसिज तो लैके आया एप्लीकेशन डे। तुहाडे सुपनियां नूं देवांगे हकीकत दी उड़ान। तुसीं जाना चाहुंदे हो ऑस्ट्रेलिया या यूके, जाना चाहुंदे हो परिवार दे नाल, ऑप्शनस लभदे हो विदाउट आईलैट्स, सारा कुछ मिलेगा ब्रॉडवे दे एप्लीकेशन डे ते, जिथे आके तुसीं अपने केसिस नूं रजिस्टर कर सकोगे। तीन वड्डे बेनीफिट असीं देवांगे अगर तुसीं आके अप्लाई कर रहे हो सेम डे। सब तो पहला यूके यूनिवर्सिटी आपां नूं मिल सकती है 5 लाख तक की स्कॉलरशिप। दूसरा, चाहे तुसीं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहुंदे हो चाहे यूके, परिवार दे नाल पूरा केस तुसी एक पैकेज अप्लाई कर सकते हो, मतलब पैसे लवांगे जिदन तुहाडे वीजे दे नाल फोटो खिचावांगे। और थर्ड वड्डा बेनीफिट, ब्रॉडवे जदों भी कोई एप्लीकेशन लैंदी है तां साडी एक प्रोसैसिंग फीस है, बट अगर तुसी इस एप्लीकेशन डे दे दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना आके अपने केस नूं रजिस्टर कर रहे हो तां जीरो कॉस्ट होगी जिन्ना चिर वीज़ा नहीं आउंदा। सो बेफिक्र होकर अप्लाई करो, अपॉइंटमेंट अपनी बुक करो 90-238-90-238 और मैनू परसनली तुसी उस दिन ब्रांचिस च मिलोंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीज़ा को लेकर हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और नॉलेज्ड आपको रखा जाए ताकि आप बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अपने फ्यूचर के लिए ले सकें। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। जैसे कि मैंने आज बताया कि बेस्ट ऑप्शंस यूके में अप्लाई करने की क्या हो सकती हैं, उनके बारे में बताऊँगा और डिटेल में समझिएगा, ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हो सकती हैं। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्रिप्शन ना भूलें। प्रोफाइल को लेकर डाउटफुल हैं, कन्फ्यूज्ड हैं तो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही शो के अंदर हर यूनिवर्सिटी में प्रोफाइल एक्सेप्टेंस बता पाना काफ़ी मुश्किल होगा। सो टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना। सीधा एक्सपर्ट पैनल से बात करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भर सकते हैं। सो यूके के अंदर बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं? ओके, व्हेन इट कम्स टू टू स्टूडेंट्स, एक बैचलर्स वाले हैं, एक प्लस टू वाले स्टूडेंट हैं। प्लस टू वाले जो स्टूडेंट हैं, जो बैचलर डिग्री करने जाएंगे, उनके लिए हल यूनिवर्सिटी इज़ वन गुड प्रेफरेंस। रीज़न, फ़ी स्ट्रक्चर इज़ अराउंड 9000, सबसे कम फीस आपको हल यूनिवर्सिटी में इस टाइम मिल सकती है सितंबर इनटेक के लिए, अगर टाइम से अप्लाई करते हैं। रिक्वायरमेंट CBSE 70%, IELTS 6.6 विद 5.5 या PT स्कोर उसके इक्विवेलेंट, जैसे मैंने कहा आप टीम से कॉन्टैक्ट कर लें, दैट विद द बेस्ट ऑप्शन। बर्मिंगम में BCU अभी ओपन है, एप्लीकेशन जल्दी लगा लें, उसके बाद मुश्किल होगा बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी में, बिकॉज लिमिटेड ऑप्शन होती है बर्मिंगम में और बहुत बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। सो अप्लाई एज सून एज पॉसिबल अगर आपका बर्मिंगम प्लान जाने का है, लेकिन बर्मिंगम अप्लाई करने के लिए IELTS PT मैंडेटरी है। विदाउट IELTS सिर्फ CBSE स्टूडेंट विद 70% इंग्लिश अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सेकेंड बेस्ट ऑप्शन आपको मिल सकती हैं लीड्स बैकड यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी पहले इंटरव्यू होगी और फिर फीस ट्रांसफ़र होगी, तो मतलब आप काफ़ी सेफ रहेंगे अगर आप अपनी इंग्लिश को लेकर डाउटफुल हैं। सो लीड्स बैकेट कैन प्ले द वन वेरी गुड रोल। थर्ड फोर्थ बेनिफिट आपको देता हूँ लेस्टर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपका 5.5 ईच मॉड्यूल है, ओवरऑल 5.5 है, 46 PT का स्कोर है, 90 डुलिंगो का स्कोर है, प्लस टू 50% से की है, यू आर एलिजिबल। सबसे बेस्ट एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे अपनी क्रिएट कर सकते हो। ये थी प्लस टू वालों की ऑप्शंस। नाउ कम्स टू द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, देयर शुड बी अ वन गुड ऑप्शन फॉर देम, दैट इज़ अ लिंकन यूनिवर्सिटी। लिंकन यूनिवर्सिटी में अगर आप जल्दी अप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो आपकी फ़ीस आएगी 11.5 लाख अगर आपकी फ़ीस मई से पहले ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो टाइमली अप्लाई कर ले, सबसे लोएस्ट फ़ी आपको यही मिलेगी। उसके बाद अगर इसकी फ़ीस बढ़ गई फिर मल्टीपल ऑप्शंस में आप चले जाते हो। दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि इस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू नहीं होता, सीधा कास्ट लेटर आता है। देन लीड्स बैकड यूनिवर्सिटी इक्वली गुड यूनिवर्सिटी, पहले इंटरव्यू होगा बाद में फीस जाएगी, तो यू आर मोर ऑन अ सेफ साइड। ये सबसे बड़े बेनिफिट हो सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी वो एवरेजली गुड रहेंगी। लेस्टर यूनिवर्सिटी में आपको बेनिफिट ये है कि इंटरव्यू पहले नहीं होता था, बट इसी इनटेक से उन्होंने शुरू कर दिया है, बट बेनिफिट ये है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू नहीं है। सेम ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट IELTS PT है, तो इंटरव्यू नहीं है, एक इंट्रोडक्शनी
कम्युनिकेशन है जो काफ़ी इजी होता है। हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी, नो इंटरव्यू बट आईएलटीएस इज मैंडेटरी। सो ये बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनमें आप जा सकते हो, बेस्ट फी स्ट्रक्चर ले सकते हो, टीम से डिटेल्स डिस्कस कर सकते हो कि आपका प्रोफाइल एक्चुअली कहाँ के लिए एलिजिबल है। और भी कोई डाउट्स और कन्फ्यूजन्स हैं तो टीम से कॉन्टैक्ट कर लें। अप्लाई नाउ का फॉर्म हमारी broadwayvisa.com वेबसाइट पर जाके भर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें नए नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज तो लैके आया एप्लीकेशन डे। तुहाडे सुपनिआं नूं दवांगे हकीकत दी उड़ान। तुसीं जाना चाहुंदे हो ऑस्ट्रेलिया या यूके, जाना चाहुंदे हो परिवार दे नाल, ऑप्शनस लभदे हो विदाउट आईलैट्स, सारा कुछ मिलेगा ब्रॉडवे दे एप्लीकेशन डे ते, जिथे आके तुसीं अपने केसिस नूं रजिस्टर कर सकोगे। तीन वड्डे बेनीफिट असीं दवांगे अगर तुसीं आके अप्लाई कर रहे हो सेम डे। सब तो पहला यूके यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है 5 लाख तक की स्कॉलरशिप। दूसरा, चाहे तुसी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो चाहे यूके, परिवार के नाल पूरा केस तुसी एक पैकेज अप्लाई कर सकते हो। मतलब पैसे लवेंगे जिदन तुहाडे वीजे दे नाल फोटो खिचावेंगे। और थर्ड वड्डा बेनीफिट, ब्रॉडवे जो भी कोई एप्लीकेशन लेंदी है तो साड़ी एक प्रोसैसिंग फीस है, बट अगर तुसी इस एप्लीकेशन डे दे दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना आके अपने केस नूं रजिस्टर कर रहे हो तो जीरो कॉस्ट होगी जिन्ना चिर वीज़ा नहीं आता। सो बेफिक्र होकर अप्लाई करो, अपॉइंटमेंट अपनी बुक करो 90238 90238, और मैनू परसनली तुसी उस दिन ब्रांचिस च मिलोंगे। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाने के सुपने नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।